नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बड़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। राम की नगरी अयोध्या में सृष्टि के पालनहार का भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, तो इस बीच में अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव मनाई गई। सीएम योगी की देखरेख में अयोध्या के दीपोत्सव को पिछले 5 दीपोत्सव से भी खास मनाया गया। खास बात यह रही कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए, जिससे इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में भव्य और अलौकिक नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी राम के राज्याभिषेक और सरयू आरती में भी शामिल हुए। ये प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा अयोध्या दौरा था। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में शामिल होकर मंदिर की नींव रखी थी। अयोध्या में दीपोत्सव की छटा देखते ही बनती है, और इस बार योगी सरकार ने इसकी ऐसी तैयारी की कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। श्री रामलला परिसर में इस बार 25,000 गोदीप जलाए गए। रामलला के दर्शन मार्गों को भी दीप माला से सजाया गया। राम के पैड़ी पर 15,00,000 दीप प्रज्वलित किए गए। 38 घाटों पर 18,000 वॉलेंटियर ने इन दीपों को जलाया। इसके लिए 17,00,000 दीप की व्यवस्था की गई थी। 2021 में अयोध्या में 9,48,000 दीप जलाए गए थे। अयोध्या नगरी अब देश का वो तीर्थ स्थान बन चुका है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, और भक्तों की इसी बेताबी की वजह से राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। राम लला का भव्य मंदिर जमीन के ऊपर दिखाई देने लगा है। देश का सबसे भव्य और दिव्य राम लला का मंदिर बनने के करीब है। अगले 14 महीने के इंतजार के बाद राम लला खुद इस मंदिर में विराजमान होंगे, और तब अयोध्या में सदी की सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई होगी, और उसकी झलक दीपोत्सव के जरिए देखने को मिलेगी। अयोध्या के लिए ये वक्त स्वर्णिम काल से कम नहीं है। अयोध्या को फिर त्रेता युग वाली पहचान दिलाने के प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक विकास के कदम ताल के साथ पुरातन पहचान अयोध्या के विकास का यही मॉडल रहा है, और पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए योगी आदित्यनाथ राम की नगरी को कायाकल्प करने में जुट गए हैं, जिससे अयोध्या अब देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी बन गया है। राम की नगरी अयोध्या में राम के भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। राम भक्त योगी राज में अयोध्या राममय हो गई है। जब से सीएम योगी ने अयोध्या की जिम्मेदारी ली है, अयोध्या रोज विकास के नए अध्याय लिख रही है। राम की नगरी अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या की सूरत संवारने की अनवरत प्रक्रिया जारी है। पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का कायाकल्प कर रहे हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए राम भक्त यहां खींचे चले आ रहे हैं, और हाईटेक अयोध्या अब देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। योगी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या बन चुकी है। भगवान राम के धाम में योगी का वही हिंदू राष्ट्रवाद का मंत्र गूंजता है, जिसमें रामलला के भव्य मंदिर के लक्ष्य की साध है, और इसी नींव में पड़े संघर्षों की अनगिनत गाथा भी। लोगों की यात्रा सुखद बनाने के लिए योगी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने पर काम कर रही है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद यहां 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, जिसमें राम मंदिर के अलावा अयोध्या में 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।